हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो के कंप्लेन है, हमारा विंडो एसी है, इसको हम चालू करते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसमें सो नहीं सकते हैं। बोले जैसा कि आप सुन सकते रहे कितना आवाज़ कर रहा है। इसको हमने खोल करके चेक किया, इसका जो कंडेंसर फैन आता है, ब्लोअर का कंडेंसर फैन आता है, वो टूटा हुआ है। तो वीडियो में इसको रिपेयर करने के लिए जानने वाले हैं किस तरह से, अगर टूट जाता है, आपका क्रैक हो जाता है तो कैसे रिपेयर करेंगे, क्या क्या आइडिया हो सकता रहेगा। ये वीडियो में कुछ टिप्स ट्रिक्स आइडिया वगैरह जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में रिपेयर करने के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें, जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। तो आप देख सकते रहेंगे हमने विंडो एसी है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद हमने यहाँ पर चेक किया तो पाया, देख सकते रहे किस तरह इसका जो क्रैक है, जो कंडेंसर फैन है, ये क्रैक हो गया है। इसका राउंड का जो रहता है ये क्रैक हो गया, जिसकी वजह से ये स्पीड में चलता था तो ये आपस में टकराता था, टच होता था, कड़ आवाज़ करता था। या फिर फैन आपका टूट गया रहेगा या किस तरह से इसको रिपेयर करते हैं, ठीक करते हैं, तो इसमें हम देख सकते कुछ आइडिया करने वाले हैं किस तरह इसको रिपेयर करें। तो मार्केट में जाएंगे तो इसके लिए महंगा मिलेगा, तो हम इसको रिपेयर करने के लिए कुछ आइडिया देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ड्रिल मशीन से दोनों साइड में इसको होल कर लिया, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे ये चार होल हमने कर लिया है। इसमें हम जो है एल्युमिनियम तार है या कोई सा भी तार से इसको हमें सिलाई कर देना है, इसको बांध देना है, जिससे ये स्ट्रांग पकड़ ले। उसके बाद देख सकते हैं हमने इसको बांध दिया है इस तरह से, कुछ आइडिया से अब इस तरह से बांध सकते हैं। चाहे आपके आपके पास भी कुछ और आइडिया रहेगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज़ और किया जा सकता था और भी स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो इपॉक्सी लगाएंगे, देख सकते रहेंगे ये जो 5 मिनट का ये इपॉक्सी है, इसमें दो टाइप के हैं, एक वाइट कलर का आता है और ब्लैक कलर का आता है। इपॉक्सी का नाम देख सकते रहेंगे स्टील इपॉक्सी है, कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से मार्केट में ले सकते हैं, ले करके हमें इसको प्लास्टिक वाला रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें दोनों को आपस में सामान में करके एक से जैसा रहना चाहिए, जितना व्हाइट कलर का है उतना ब्लैक कलर का, दोनों आपस में इस तरह अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ये दोनों मिक्स होने के बाद हमें जल्दी लगाना है इसको, नहीं तो छोड़ेंगे तो सूख जाता है, जल्दी ये सूख जाता है। तो आप देख सकते रहेंगे प्लास्टिक को रिपेयर करेंगे, अगर प्लास्टिक वाला टूटा है, क्रैक है, तो इस तरह से आप उसके ऊपर लगाएंगे, ये पकड़ लेगा, स्ट्रांग हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे। अगर आपका कोई क्रैक हो गया है, फैन ब्लेड वगैरह क्रैक हो गया है, ब्लोअर कोई सा प्लास्टिक अगर क्रैक हो गया है, तो इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते रहे हम इसको जो है चिपका दे रहे हैं, ये चिपकाने के बाद ये हमारा पकड़ लेगा, फिर बाद में इसको हम रनिंग करेंगे, चालू करेंगे, 100% वर्क हो जाएगा, श्योर हो जाएगा, ये परफेक्ट वर्क करेगा। कुछ इस तरह से आपके पास भी अगर कोई एसी है, अगर ब्लोअर वगैरह कंडेंसर फैन ब्लेड टूट जाता है, तो उसको आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर लगा दिया है, सूख गया है, चिपका दिया है, चिपक गया है, तो हम इसको चला सकते हैं, ये हमारा रेडी हो गया है। तो हमने कुछ आपको लोग थोड़ा सा आइडिया बताया, हेल्प आपके आप लोग के हेल्प के लिए, कभी आपके पास अगर इस तरह से टूट जाता है कंडेंसर फैन ब्लेड टूट जाता है तो कैसे रिपेयर करेंगे, क्या क्या आइडिया से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जाने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जाने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें कि आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे ASR सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज, जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, दे सके, आप लोग भी नए टेक्निशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।